हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अंसारियनस आपसे मुखातिब हूँ और आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक नई चीज को सीखने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स के हमारे पास शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज की जो वीडियो हम इसी पर्पज के लिए बना रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुने। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ शेयर्स, और शेयर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने इससे पहले शेयर्स के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर कुछ वीडियोस को बनाए थे, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी गई है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, उसको देखने के बाद आप हमारी ये वीडियो को देखो, तब जाके आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमने शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। एक हमारे पास इक्विटी शेयर्स और दूसरा हमारे पास प्रिफरेंस शेयर्स। देखो, इक्विटी शेयर्स को उर्दू में कहते हैं मसावी हिस्सेस, और प्रिफरेंस शेयर्स को उर्दू में कहते हैं तरजीह हिस्सेस। दो लैंग्वेज का मैं यूज जानबूझ के कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे भाई, जो जीरो है, जीरो एक कंपनी का फाउंडर है जो कंपनी बनाना चाहता था, और जीरो ने कहा कि मैं पैसा मांगूंगा, पैसा पब्लिक से मांगूंगा। जीरो का ये मानना था हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के ऊपर है, अगर मैं एक एक हिंदुस्तानी से एक रुपया भी लूंगा तो मेरे पास 130 करोड़ जमा हो जाएगा। तब जीरो ने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक को शेयर बेचूंगा। पब्लिक ने भी कहा, पब्लिक ने यह कहा कि अगर हम तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो पब्लिक ने कहा अगर हम तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हमारा स्टेटस क्या रहेगा। सेकेंड, हमें पैसे के बदले, हमें शेयर्स के बदले क्या मिलेगा। थर्ड, रिडीम, पैसा वापस कब करोगे। तो ये तीन क्वेश्चन के बारे में जो है मैंने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब जरा बात को समझो। अब जीरो ये बोलता है मैंने सिर्फ शेयर्स की बात किया था, आज हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई हमारे पास दो टाइप्स के शेयर्स है। यानी अगर हमने कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस किए तो हमारा स्टेटस कंपनी में क्या रहेगा। अगर हमने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को परचेस किए तो हमारा स्टेटस कंपनी में क्या रहेगा। दूसरी चीज, अगर हमने इक्विटी या प्रेफरेंस को परचेस किए तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जीरो जो कंपनी का फाउंडर है वो कहता है अगर आपने हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस किए तो यू विल बी द ओनर ऑफ कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने, ओनर मालिक, कि अगर आपने हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस किए यू विल बी द ओनर ऑफ आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाओगे। प्लीज इस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लो। सेकेंड, सर ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। पहले आपने बोले कि अगर मैंने शेयर्स को परचेस किया तो मैं मालिक बन जाऊंगा, हमने लास्ट वीडियो में भी यही सीखे थे, तो आज स्टेटमेंट कैसा चेंज कर दिया आपने। मैंने स्टेटमेंट जानबूझ के चेंज किया, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ और एग्जाम में लिख के आ जाओ। अब कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं भाई, इक्विटी शेयर्स को अगर आपने परचेस किए तो आप कंपनी के ओनर बन जाओगे। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जीरो कहता है अगर आपने हमारी कंपनी के प्रेफरेंस को परचेस किए तो यू विल बी द गेस्ट ऑफ कंपनी, आप हमारी कंपनी के गेस्ट रहोगे। गेस्ट ओनली, कि आप हमारी कंपनी के गेस्ट रहोगे। दो पॉइंट, दो बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए जो हमने यहां पे लिख के रखी है, ओनर एंड गेस्ट। प्रेफरेंस को परचेस किए, गेस्ट रहोगे,
इक्विटी को परचेस किए ओनर बन जाओगे, तो आई थिंक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। जीनो ने कहा, पब्लिक से कहा कि अगर आपने हमारी कंपनी के इक्विटी को परचेस किए तो आपका स्टेटस ओनर का रहेगा, अगर आपने हमारी कंपनी के प्रेफरेंस को परचेस किए तो आपका स्टेटस गेस्ट का रहेगा। तो यहां तक प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम इसके बाद आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले कि जो जीरो कहता है हम आपको पैसे के बदले में हर साल पेड करेंगे डिविडेंड, पेड करेंगे डिविडेंड। जी हाँ दोस्तों, आप डिविडेंड की वीडियो को जरूर देखो, मैंने इसके लिंक पर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, उसको प्लीज आप लोग देखो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड वो है जो शेयर्स पर कंपनी पे करती है। सेकेंड चीज, अब यहाँ पर रिडीम की बात करेंगे। रिडीम का एक वर्ड बोल सकता हूं एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल, पैसा कब वापस करोगे सर? तो मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आता है रिटर्न ऑफ कैपिटल, आप पैसा वापस कब करोगे? दो पॉइंट्स प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, दो पॉइंट्स आपके सामने है। एक आपके पास डिविडेंड है और सेकेंड आपके पास रिटर्न ऑफ कैपिटल है। डिविडेंड में क्या होता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को पे करना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और सेकेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, पैसे को वापस करना है। और मुझे यह भी सीखना है आज की वीडियो में कि इक्विटी एंड प्रिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन मैं कैसे करूंगा। तो दोनों को समझने के लिए, इक्विटी एंड प्रिफरेंस दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास आते हैं दो कॉन्सेप्ट। पहला मेरे पास है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहला वर्ड। सेकंड मेरे पास रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे ऐसा गोल्डन वर्ड्स कहता हूं, सुनहरे अल्फाज, क्योंकि ये वो लव्स है, वो पॉइंट है जो आपको समझाने में हेल्प करेंगे इक्विटी एंड प्रिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि भाई एक कंपनी में दो शेयर होल्डर है, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रिफरेंस शेयर होल्डर, तो दोनों में से पहले डिविडेंड किसे दिया जाए, दोनों में से पहला पैसा वापस किसे किया जाए, ये डिफिकल्ट मतलब ये पॉइंट है सर। मुझे इसी पॉइंट को तो समझना है कि डिविडेंड पहले इक्विटी को दू के प्रिफरेंस को दू, पैसा पहले वापस इक्विटी का करूं के प्रिफरेंस का करूं, ये बात की पॉइंट वाली है। तो चलो एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं क्वेश्चन की स्टोरी लेकर आता हूं। स्टोरी यहां पे लिखते हैं, एक फैमिली है, हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली में चार मेंबर, फोर मेंबर्स है, एक फैमिली है, फैमिली में फोर मेंबर्स है। ये मैंने बना दिया इस तरह से, ये देखो एक दो तीन और ये चार, ये इनकी फैमिली में बोल सकता हूं। देखो ये, देखो ये इनका हाउस, ये इनका घर भी है, मैंने घर भी बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं ये एग्जांपल अगर आप दिमाग में बैठा लेते हो तो उसी के बेसिस पे इक्विटी एंड प्रिफरेंस दोनों का डिफरेंशिएट, दोनों में क्या फर्क है वो आप आराम से समझोगे। फैमिली की बात करते हैं, एक वाले पास मॉम मम्मी, एक वाले पास डैड डैडी, इनका बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है सोनू, बड़े बेटे का मैंने नाम लिया सोनू और छोटे बेटे का नाम है मोनू। एक फैमिली आपके सामने आ गई है आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, मम्मी है, डैडी है, सोनू है, मोनू है, ये चार लोग की फैमिली है। अब घर का जो बड़ा लड़का मेरे पास कौन है, वो सोनू है, ये घर का बड़ा बेटा है। सोनू पिछले 10 इयर्स से, पिछले 10 सालों से कहां पर था? दुबई में था। कहां पर था वो? दुबई में। सोनू पिछले 10 सालों से दुबई में था, अब वो इंडिया आया है ओनली फॉर 10 डेज, सिर्फ 10 दिनों के लिए वो हिंदुस्तान आया है। ये
सोनू की कहानी है। भाई सोनू पिछले 10 सालों से दुबई में था, 10 दिन के लिए हिंदुस्तान है। ये घर का बड़ा बेटा है, ये घर का सबसे छोटा बेटा है, ये मॉम और ये डैड। अब मुझे एक बात बताओ, 4 लोग की फैमिली है और हमेशा होता क्या है, छोटे बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको ज्यादा प्यार दिया जाता है, उसके बारे में ज्यादा सोचा जाता है, बिकॉज वो घर का छोटा होता है। जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ कंडीशन कुछ और है कि यहाँ पे सोनू सिर्फ 10 दिन का मेहमान है। अब मुझे आप लोग बताओ कि एक पर्सन वो जो 10 साल से दुबई में था, 10 दिन के लिए आया है, तो दोनों बेटों में, सोनू और मोनू दोनों बेटों में 10 दिन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी जाएगी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी सोनू को। अरे क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो घर का बड़ा बेटा है, घर का बड़ा बेटा कोई सवाल नहीं है, ये 10 दिन का मेहमान है, ये 10 दिन का गेस्ट है, ये 10 दिन के बाद चले जाएगा। लेकिन मोनू हमेशा घर में है, आज भी घर में है, 10 दिन के बाद भी घर में रहेगा। तो पता ये चला कि जो जाने वाला होता है या जो गेस्ट होता है उसे आप प्रिफरेंस या उसे आप इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हो। घर में कौन सा खाना पकाना है ये सोनू की मर्जी चलेगी, घर में आपको क्या करना है 10 दिन के लिए ये उसका ही चलेगा। घर में 10 दिन तक का सोनू की बात मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी भाई? क्योंकि ये 10 दिन का मेहमान है, भले ही बड़ा बेटा हो, 10 दिन का मेहमान, गेस्ट ओनली फॉर 10 डेज, 10 दिन का मेहमान है। तो जब गेस्ट का मतलब होता है सर आप उसको पहले इंपॉर्टेंस दे दो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो शेयर होल्डर है, एक मेरे पास इक्विटी और सेकेंड मेरे पास प्रिफरेंस। दोनों में गेस्ट कौन है? प्रिफरेंस गेस्ट है, गेस्ट सर मेहमान, आज आया है कल चले जाएगा। प्रिफरेंस शेयर्स गेस्ट है, आज आए हैं 2 साल के बाद चले जाएंगे, 3 साल के बाद चले जाएंगे, मगर ओनर ये हमेशा रहेंगे, ये घर वाले हैं और ये कुछ टाइम के लिए आने वाले हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मेरे पास वर्ड आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पहले किसे दूंगा मैं? डिविडेंड पहले आप दोगे प्रिफरेंस शेयर्स को, बाद में किसे दोगे आप? इक्विटी शेयर्स को। तो जीरो कहता है कि हमारा जो साल 2 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ये एंड होता है 31 मार्च को। स्टार्ट हुआ 1 को, एंड हुआ 31 मार्च को, साल के लास्ट डे जो प्रॉफिट निकला इसी प्रॉफिट को इस कंपनी ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए, उसी को आपने डिविडेंड कहा। तो डिविडेंड पहले किसे मिलेगा? प्रिफरेंस को, बाद में किसे मिलेगा? इक्विटी। दूसरी चीज, पैसा पहले किसका वापस करूंगा मैं? प्रिफरेंस को, बाद में किसको वापस करूंगा मैं? इक्विटी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो तो मेरे पास गोल्डन वर्ड्स है, फर्स्ट मेरे पास पेमेंट ऑफ डिविडेंड और सेकंड मेरे पास रिटर्न ऑफ कैपिटल। डिविडेंड पहले प्रिफरेंस को मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा। पैसा रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस को, बाद में इक्विटी को। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूंगा दोनों सबसे पहले किसे मिल रहे हैं? प्रेफरेंस को, बाद में किसे मिल रहा है? इक्विटी को। तो हम इन दोनों की बेसिस पे दोनों की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये 2 गोल्डन वर्ड्स होना चाहिए। अब जैसे मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which have no preferential right, over in the payment of dividend and return of capital at the winding up का मतलब होता है जब आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, that is called winding up। डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करो, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव नो प्रेफरेंशियल राइट ओवर इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जो डेफिनेशन आपने इक्विटी के लिए बोले हो, सेम डेफिनेशन आपके
आपकी प्रेफरेंस की भी आएगी, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे हैव प्रेफरेंशियल राइट। इनको यहां पे प्रेफरेंशियल राइट होता है, इसकी डेफिनेशन कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आज की वीडियो में सीखना है टाइप्स ऑफ शेयर्स, जो कि हम सीख चुके हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पहले किसे मिलेगा, बाद में किसे मिलेगा, कंपनी पहले पैसा किसका वापस करेगी, बाद में किसका वापस करेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज हमने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप सभी को पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस SP, ECO, Account, Element, 12, FY, SY, TY और Motivation की जो वीडियोस है, तो हमारे चैनल पर आप जाएं और वहां पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, तो उस ऑप्शन में आपके पास हर सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज के साथ आपको मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स, SP और उसके बाद अकाउंट्स, मोटिवेशन के सारे वीडियोस आपको एक लाइन से मिल जाएगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।